माय डियर कैंडिडेट, अल्ट्राटेक में जिस बंदे की आज ज्वाइनिंग हुई है उसने अपनी खुशी जाहिर करते हुए अपना पूरा वीडियो बनाया, अपलोड हुआ है, उनको देखते रहिए और देख करके एक्नॉलेज करिए। माय डियर कैंडिडेट, कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं, कंसल्टेंसीज नॉर्मल देखा गया है, वो आजकल जैसे नहीं कैप्सूल टाइप में वो बड़े एक अब कि आओ हम तुम जैसे ही आओगे वैसे ही करा देंगे। आज जिसका वीडियो अपलोड किया उसने इस बात को बोला, देर आएंगे सब्र का फल मीठा होगा। मैंने देखा कि आज जब कैंडिडेट जॉब के लिए आते हैं, एक अच्छी जॉब के लिए सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि यहाँ पे आए हैं ये किसी को फ़ोन करेंगे, जुगाड़ से बोलेंगे, सीधे ज्वाइनिंग करा देंगे, तुरंत ज्वाइनिंग आ जाएगी, जैसे सामान खरीदने जाते हैं। कुछ इस तरह का माइंडसेट बना दिया जाता है, हर चीज़ में तुरंत आओ, तुरंत कराओ और तुरंत तुमको करा देंगे और ये कर देंगे। ये जो बातें हैं ये बातें पेटिकल नहीं हैं। सपोज़ करिए कोई बंदा हमसे बोलता है कि सर हमें सिविल के जॉब के लिए जाना है, हमने सर MCA कर लिया है, मुझे बहुत अर्जेंट जॉब है, मेरे पास क्राइसिस है। जब हम लोग किसी को प्रोफाइल भेजेंगे, किसी से बात करेंगे, वो बताएंगे कि हाँ आप इस टाइम पे ये चलो देखते हैं, इस टाइम पे आ जाइए, हम इस टाइम पे कॉल करिए, तो जब तक वो रिप्लाई नहीं दे रहा है हम भी आपको रिप्लाई नहीं दे सकते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सेशंस ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, बट उनकी चॉइस ये कि वो इस तरीके की जगह पे ज्वाइन करें और वो जिस पीरियड जिस मंथ में हैं तो ज़रूरी नहीं कि उसी मंथ में उसी तरह की कंपनी जैसी वो सोच रहे हैं, उसी वीक में वो जैसा सोच रहे हैं उसकी लेवल की रिक्वायरमेंट में उनका शॉर्टलिस्ट हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। और इसीलिए माय डियर कैंडिडेट, कभी कभी जिनके पास में थोड़ा सा पेशेंस नहीं है, जो सिर्फ ये उम्मीद करके आते हैं कि संस्था में हमने अपनी ID बना दी है, जनरेट कर दी है और अब ये उनकी जिम्मेदारी कि ये हमारे लिए लगवा करके दिखाएं। माय डियर कैंडिडेट, अभी कैंडिडेट से जब पूछा गया कि 5 अभी इंटरव्यू हो रहा था ऑफिस में कि सर मैं बैक ऑफिस में जाएंगे, हमारी ये प्रोफाइल है, अच्छा 5 ये एक साथ अटैचमेंट भेजने आप कैसे भेजेंगे, एकदम बत्ती गुल हो गई। और माय डियर कैंडिडेट, वो चाह रहे हैं हमारी बैक ऑफिस में जॉब के लिए हमें लगा दिया जाए। आज ये बड़ी अजीब सी बात है कि सभी लोग अपने पुराने जो भी पढ़ाई है, जो भी एजुकेशन है, जो काम किया है, उसको वो ये चाहते हैं कि कोई बिना मैच कराए नई प्रोफाइल में अचानक से बात कर करके कोई उसकी जुगाड़ की नौकरी लगा दे। जहाँ पे ये सब हो रहा है वहीं से फ्रॉड का जन्म होता है, वहीं से डिससेटिस्फैक्शन का जन्म होता है, वहीं से आता है कि हाँ ये हमारी करा देंगे और ये ओवर बातें, ओवर सोचना, ओवर एक्सपेक्ट करना, ओवर कमिटमेंट करना, यही चीज़ें नुकसान करती हैं। माय डियर कैंडिडेट, कुछ लोग ऐसे हैं जो इन बातों को समझते हैं कि ज्वाइनिंग्स के लिए आपकी प्रोफाइल का शेयर होना, JD को समझना, उसमें शॉर्टलिस्ट होना, ये सब जरूरी है। इन सब के बिना ज्वाइनिंग्स आना आसान नहीं होता है। और अगर आप फ्रेशर भी हैं, आपने सेक्टर प्रोफाइल घंटे दूर भी नहीं पास भी सब ये सब पैकेजेस भी सब कुछ सोच रखा है तो आप मान लीजिए फिर तो सुभान अल्लाह कब आपकी ज्वाइनिंग होगी पता ही नहीं है। माय डियर कैंडिडेट, अपने आप को चेक करना, अपने आप को समझना और एकदम से इमीडिएट एक्सपेक्ट जब आप करते हैं तो जो आजकल फ्रॉड हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, वो इसीलिए हो रहे हैं आप एकदम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो भी आपको एकदम दिखा रहे हैं आओ हम जल्दी से तुम्हारा करा देंगे। अरे तुम करा कैसे दोगे जल्दी से, जब तक कंपनी शॉर्टलिस्ट नहीं करेगी, प्रोफाइल में फाइनलाइज नहीं करेगी, एक प्रोसेस से लेकर के वो जाएंगे नहीं तो आपका जल्दी कैसे शॉर्टलिस्ट होगा। और ये जल्दी कुछ लोगों का जो जल्दी हुआ है एक बार में हो गया है, वो भी हो सकता है कि वो टाइमिंग हो जब उनको फाइनल करना हो और आप पहुंच गए और उनकी प्रोफाइल मैच हो गई और आपका फाइनल हो गया, वो किसी ने जल्दी करा नहीं दिया है। इस बात को सबको समझना है, थोड़ा पिटिकल होना भी है, तभी आप परख नहीं पाते हैं, जानकारी नहीं जो दी जाती है वो समझ नहीं पाते हैं और एकदम से आप अपेक्षा करने लगते हैं कि ये वो सब कुछ कर देंगे। माय डियर कैंडिडेट, थोड़ा लेट आए, दुरुस्त आए, सही आए, सही ज्वाइनिंग हो। अभी एक कैंडिडेट ने जिसने अल्ट्राटेक में ज्वाइन किया, उसने जब उसने अपने घर के रेफरेंसेस में बात करी कोई उनके, जब उन्होंने उनसे कहा कि तुमको बहुत अच्छी कंपनी मिल गई है, कम पैकेज मिले लेकिन 2-3 साल भी अगर यहाँ कर लोगे तो तुम्हें नहीं होगी दिक्कत आगे, तुम्हें कहीं ढूंढनी नहीं पड़ेगी जॉब, ये बात वहाँ से भी समझी, उसने भी समझी और उसने पूरी तरह से मन बनाया करने का। इसके पहले कई इंटरव्यूज़ में रिजेक्ट होना, कई इंटरव्यूज़ में नहीं होना, इस सब फेस के थ्रू जाना भी पड़ा उसको। संस्कार सोसाइटी जॉब एंड ड्राइव किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये क्लेम पे बिल्कुल विश्वास नहीं करती है
और आपको अवेयर करती है, बिल्कुल विश्वास नहीं करती है कि हम आपका करा देंगे, हम आपको अपडेट कर सकते हैं, आपकी प्रोफाइल को अपग्रेड कर सकते हैं, जेडी के हिसाब से गाइड कर सकते हैं, चार इंटरव्यूज़ करा सकते हैं, उसी में लॉ प्रोबेबिलिटी ये कहता है कि एक जगह ज्वाइनिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रोवाइडेड आपका भी अपना भागीदारी खूब ज़बरदस्त हो। मैंने देखा कई लोग इस तरीके की उम्मीद करते हैं कि यहाँ से ये करवा दें, करवा ये दें, मतलब आप कमज़ोर हैं, करवाएगा कोई नहीं, आपको खुद अपने आप के लिए करना पड़ेगा गाइडेंस, सपोर्ट, ट्रेनिंग, जेडी डिस्कशंस, ये सब यहाँ से मिल सकता है और यही असल बेस है। अगर आपकी फाउंडेशन गड़बड़ है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी कंपनी में पैकेज ओरिएंटेड नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। ये उन सब के लिए बात है, इसीलिए मैं आप सबको इस बात के लिए कहता हूँ, थोड़ा अवेयर होइए, थोड़ा जानकारी लीजिए, समझिए और एकदम से गदेली में सरसों जमाने की जो बात है उसको समझिए। और दूसरा एक और एटीट्यूड, एक एटीट्यूड को और कम करना है। आप संस्था में आए, संस्था में आप रजिस्टर्ड हुए, उस टाइम में जितनी बातें कही गई उनको समझिए। आपसे कहा गया आप यूट्यूब चैनल देखिए, mysurejob.com नोटिफिकेशन को देखिए, उन सबको देखने के बाद में एक बार यहाँ पे आइए, कोई इंटरव्यू आपने दिया उसकी जानकारी दीजिए। ये सब अगर आप नहीं कर रहे हैं और आप उम्मीद करते हैं किसी बड़े पैकेज की, किसी बड़ी चीज़ों की, शायद यहाँ से बार बार फ़ोन आपको किए जाएँ, बार बार आपसे कहा जाए कि आपके लिए जॉब रेडी है और हम ये जॉब लगवा देंगे, इसकी तो उम्मीद जो कर रहे हैं वो उम्मीद ही करते रह जाएंगे। एक सिस्टम अगर जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू, जॉब कहाँ कहाँ है, एक सिस्टम अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बना नहीं है तो कोई किसी की ज्वाइनिंग करा नहीं सकता। और वो सिस्टम केवल एक है, आपकी प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन, आपकी काबिलियत के आधार पर सिलेक्शन, आपके पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर सिलेक्शन, और उस पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर, बातचीत के आधार पर, नई जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ में क्या चीज़ें की जाती हैं वो बात बेस है। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, मैं आप सबको इसलिए कहूँगा कि सही चीज़ को समझना चालू करिए, सही बात को समझना स्टार्ट करिए। और अगर आप सही बात समझ जाएंगे, सही बात समझ रहे हैं, तो आप नेचुरल है कि आसपास माहौल, समाज में माहौल, लोगों के बीच में माहौल, वो आप बनेगा कि हाँ ज्वाइनिंग सुन की होती है। जैसे मैंने आपसे कहा, एक माहौल हम लोगों ने जब से 30 जॉब हंट ड्राइव हुए थे जो एक्सपीरियंस हुआ, उससे एक माहौल बनाया कि कानपुर और कानपुर के आसपास की जितनी कंपनी, इनको जितने भी मार्केटिंग की ज़रूरत होती है, सेल्स की ज़रूरत होती है, ब्रांडिंग के कैंडिडेट की ज़रूरत होती है, इनमें सेल्स के कैंडिडेट में उन कंपनी से हमें कैंडिडेट को बचाना है जो टारगेट बेस पे सैलरी डिसाइड कर देती हैं। टारगेट इतना है तो तुम्हारी सैलरी ये है। जैसे से ये बातें हम लोगों के कंसर्न में आई तो हम लोगों ने कंपनीज़ को शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया बना लिया। सेल्स और मार्केटिंग में अगर कोई जाएगा तो उसके लिए पहला बेस ये होगा कि वो खुद कंपनी ये कहेगी कि हम इतना फिक्स दे रहे हैं, इतना TDA है, उससे कैंडिडेट को बचाना होगा। हर जॉब कैंडिडेट्स को दिलानी भी नहीं होगी, जॉब के नाम पे ये भी देखना होगा उसका करियर तो नहीं ख़राब हो रहा है। आपको अभी ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम में साल दो साल के लिए बहुत सारी जॉब अवेलेबल हैं, जाने क्या क्या करा रहे हैं, और आपको पैसा तो कुछ मिलते ही रहेगा। आप उस पैसे की मिलने की लत में तो आ गए, पर आपने ये नहीं देखा कि वो जो करियर बनाने जा रहे हैं आप जिस प्रोफाइल पे, क्या वो वास्तव में जिसमें आप बनाने जा रहे हैं, क्या वो वास्तव में आपके लिए करियर आगे किसी कंपनी में शॉर्टलिस्टिंग का बेस बनेगा, ये आप नहीं देख रहे हैं। और ऐसे वो सारे कैंडिडेट जो इन बातों को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ वर्क फ्रॉम होम या नोएडा बेस्ड कंपनी में कुछ इनकम मिल रही है, पैसे की दिक्कत है, अपना कमा रहे हैं, घर वाले कुछ कह नहीं रहे हैं, उसको करियर बेस बना लेते हैं। पर आपको ये देखना पड़ेगा उस सेक्टर में वर्क फ्रॉम होम जो आप कर रहे हैं, क्या वो वर्क फ्रॉम होम वास्तव में आपके लिए इस लेवल पे रहेगा वर्क फ्रॉम होम कि आपको आगे करियर दे पाएगा, शायद नहीं दे पाएगा। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, मैं आप सबको इसलिए बात कहता हूँ कि वर्क फ्रॉम होम को जब आप बनाते हैं तो ये ज़रूर देखिए किस सेक्टर की किस प्रोफाइल को आप कर रहे हैं। और अगर आप वर्क फ्रॉम होम बहुत लंबे समय में कर ले गए तो आप नए लोगों के बीच में जब जाएंगे, मैंने कई कैंडिडेट्स देखा, कई सारे कैंडिडेट एक साथ बैठे हुए हैं, उन जब कैंडिडेट वर्क फ्रॉम होम वाले कंपनी में ज्वाइनिंग कराई गई तो वो लोगों के साथ में एडजस्ट नहीं कर पाए। ये बिल्कुल वैसे ही है कि स्कूल बच्चे को नहीं भेजा जाए और कहा जाए तुम्हारी पूरी पढ़ाई पूरी हो गई है, या तुमको जॉब में नहीं करा तुम कर लो, फिर उसके नए लोगों के साथ में एडजस्ट ही नहीं कर पाता है। ये सारी बातें आप लोगों के लिए ज़रूरी है। बट अगर आप शॉर्ट टर्म गोल देख रहे हैं कि चलो अभी तो पैसा आ रहा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ओके है, देखते रहिए, आप खूब देखते रहिए, उसमें कोई दोराई नहीं, लेकिन ये सब आपके लिए रुकावट है। और मैंने देखा है कि आजकल उन जॉब्स की बहुत बाढ़ आ गई है जिन जॉब में करियर कम है, ग्रोथ कम है, टेम्परेली आपके लिए पैसे का सेटिस्फैक्शन है, टेम्परेरी आपके खर्चे के लिए, और आप उन को ज्वाइन इमीडिएट कर ले सकते हैं। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिन टिप्स को आपको अपने मन में रखना पड़ेगा, और ये भी समझना पड़ेगा अपने एटीट्यूड को भी थोड़ा बहुत ठीक करना पड़ेगा।
और एक बात जरूर समझ लीजिए कि ऑर्गेनाइज सीखने में जब आप किसी कोर्सेज प्रोग्राम्स को सीखते हैं, वो सीखने वाले कैंडिडेट कोर्स वाले सर्टिफिकेट सर्टिफाइड कोर्स जो लेकर के आए हैं, कंपनीज उनको वेटेजेस सिर्फ 2% या 3% ही देती है, बिल्कुल नहीं देती है। आपके रिज्यूम में एक्सपीरियंस ऐड होना, प्रोफाइल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड होना, पहले कभी आपने काम किया है, इन सब की इम्पोर्टेंस है। मैं आ जाता हूँ अपने कुछ जो आज की मेजर कंपनीज है, कुछ कंपनीज में मैं आपको पिच करूँगा, उन कंपनीज़ को आपको समझना है। पिचिंग का मतलब क्या, उसमें जोर दूंगा, आपसे कहूँगा कि देखिए ये इमीडिएट ज्वाइनिंग्स वाले हैं तो आपको एक्टिव होना है, और एक्टिव होने का मतलब ये ज्वाइनिंग्स आपके लिए मदद करेगी, अच्छा कुछ आपके लिए कर सकती है। मैं आ जाता हूँ सीधे, तो पहले एक असिस्टेंट स्टोर इंचार्ज गारमेंट यूनिट लोकेशन उन्नाव में सुपर हाउस में इमीडिएट ज़रूरत है स्टोर के लिए। पैटर्न मेकर गारमेंट्स बैकग्राउंड का है, सॉफ्टवेयर टूका टेक और ऑप्टेक, ऑप्टीटेक है क्या सर ये? ऑप्टीटेक है। इसमें जिन्होंने एक्सपीरियंस किया उनको 60 तक का पैकेज जा सकता है। पैटर्न मेकर, पैटर्न मेकर के कैंडिडेट मेरे पास कम है, अगर आप में से कोई कैंडिडेट ऐसा हो जो पैटर्न मेकर में हो, आप लोग जानते हो तो ज़रूर बताइए, उनके लिए कानपुर में बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ये गारमेंट बैकग्राउंड के हों, सॉफ्टवेयर में उन्होंने काम किया हो, पैटर्न तो बहुत सारे हैं बट सॉफ्टवेयर में जिन्होंने काम किया हो। हैवल्स के लिए मैं फिर कल फाइनलाइज होना है इंटरव्यूज़। इसमें जो लोग एक कंपनी सिस्टमेटिक कंपनी एक ऑर्गेनाइज कंपनी अच्छा पैकेज जो उम्मीद कर रहे हों, जिनका एक्सेल वीलुकअप एसलुकअप एडवांस एक्सेल अच्छा हो, एक्सपीरियंस कुछ हो, उनके कल इंटरव्यू हैवल्स में होंगे और फाइनलाइज इमीडिएट हो सकते हैं। सेकेंड कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी ITI फिटर हों, वो फ्रंटियर स्टील की RVV स्वरलूप में जो वर्क करना चाहते हों, इमीडिएट ज्वाइनिंग के लिए वो इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हैं। सिविल प्रोजेक्ट मैनेजर की प्रोफाइल, अकाउंटेंट की प्रोफाइल, साइट अकाउंटेंट फॉर इलाहाबाद लोकेशन के लिए गंगा इंफ्राबिल्ड में इमीडिएट ज़रूरत है। सिविल प्रोजेक्ट मैनेजर 60K तक का पैकेज जा सकता है। कानपुर फर्टिलाइजर के HR को एक बेसिकली इन्होंने अपनी एक दूसरी कंपनी ज्वाइन की, पहले वहीं पर थे, ABIS एक्सपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, इलेक्ट्रीशियन की इनको रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपको फ्री एकोमोडेशन मिल रहा है, डिप्लोमा ITI जिन्होंने किया है, उन सबको UP MP राजस्थान छत्तीसगढ़ उड़ीसा वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट्स की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। पनकी ऑक्सीजन में आज कुछ इंटरव्यू कराए गए, वो दोनों नहीं लिए गए क्योंकि उनको मेच्योर कैंडिडेट चाहिए थे, 40+ ईयर के कैंडिडेट चाहिए, पैकेज ज़्यादा दे सकते हैं, 12 घंटे की इनके यहाँ की शिफ्ट है, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, बहुत नीडी कैंडिडेट हैं, 40+ एज में हैं, जो मेच्योर हैं उनके लिए इमीडिएट ज्वाइनिंग आ सकती है। मारुति सुजुकी में इमीडिएट ध्यान करिए, बहुत ध्यान रखिए, इंटरव्यूज़ इमीडिएट फाइनलाइजेशन के लिए हैं, ये ओपनिंग फ्रेशर ITI डिप्लोमा वाले कोई भी कैंडिडेट हो, 20 पोजीशंस हैं जिसमें इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हैं। GR कॉर्प में जूनियर अकाउंटेंट, टैली ऑपरेटर, प्रोडक्शन बैक ऑफिस, मेल मेंबर अगर हैं, फीडिंग में एक्सपर्ट हैं कंप्यूटर में, उनकी इमीडिएट ज्वाइनिंग हो सकती है। परचेज ऑफिसर 42-45K के कैंडिडेट्स में इमीडिएट ज्वाइनिंग कानपुर प्लास्टिक लिमिटेड में कर सकते हैं। MBA फ्रेशर हो, अभी कल मैंने 24 पास आउट के कहा था जो इस बार अपीयरिंग होंगे, या 23 के पास आउट हों, 22 के पास आउट हों, आप इमीडिएट अगर MBA हैं तो आपके लिए इमीडिएट एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल गवर्नमेंट तरह आप की तरह जिस गवर्नमेंट जैसे जॉब लगती है उसको इसमें कहा जाता है, उनकी इमीडिएट ज्वाइनिंग हो सकती है। प्लानिंग मैनेजर फॉर लेदर स्पोर्ट्स फुटवेयर मर्चेंडाइजर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सुप्रीम इंडस्ट्री में HR एक्सिक्यूटिव की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, जिनको 2 or 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो। लोहिया कॉर्प में मैनेजर सैप ABP डेवलपर का रिक्वायरमेंट है। जगमनी माइक्रोनेट में मर्चेंडाइजर इंटरनेशनल का रिक्वायरमेंट है, 3 lakh to 6 lakh। सुपर हाउस में रिक्वायरमेंट है जिसमें इमीडिएटली दो, इनमें एक ग्राफिक डिज़ाइनर प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के लिए, इनको मर्चेंट में टेक्सटाइल गारमेंट बैकग्राउंड की हो अर्जेंट चाहिए। इमीडिएटली कैंडिडेट ऐसे चाहिए जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, स्ट्रीम इनका इंग्लिश बैकग्राउंड है, इनको इमीडिएटली रिक्वायरमेंट है। सुपर हाउस में ट्रिम्स एंड एसेसरीज फ्रॉम गारमेंट इंडस्ट्री के लिए अर्जेंट ज्वाइनिंग के लिए चाहिए। ये टूरेल सेल्स कॉरपोरेशन में ब्रांच मैनेजर 6 lakh to 10 lakh चाहिए। VK पैकवेल में फैक्ट्री HR मैनेजर, स्टोर मैनेजर, एडमिन मैनेजर, स्टोर सुपरवाइजर, सेफ्टी इंजीनियर, PA to MD, कॉमर्स एक्सिक्यूटिव की रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। शिवा नेटवियर में सुपरवाइजर कम ऑफिस एक्सिक्यूटिव की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सेल्जर होम केयर में CPET होल्डर फॉर ऑपरेटिंग वर्क के लिए चाहिए। हेक्सेलिक पॉलीमर्स में स्टोर इंचार्ज के लिए अर्जेंट चाहिए। अल्ट्राटेक में नवस्था रनिया लोकेशन के लिए गोडाउन सुपरवाइजर चाहिए।
अनंत ऑटो के लिए ट्रेंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल पर्सन फॉर मेंटेनेंस के लिए चाहिए। महाराजा वेकर में एक्सपीरियंस स्टोर इंचार्ज कीपर के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। दीप न्यूमेटिक्स में सीनियर अकाउंटेंट कम एचआर हैविंग अ नॉलेज ऑफ जीएसटी टीडीएस टीसीएस ईएसआई एंड पीएफ के लिए अर्जेंट चाहिए। रोटोमेक पंप में इमीडिएटली रिक्वायरमेंट है जूनियर अकाउंटेंट परचेज एग्जीक्यूटिव क्वालिटी इंस्पेक्टर डिज़ाइन एग्जीक्यूटिव की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। इंजेक्टोप्लास्ट में 10 लाख टू 15 लाख का पैकेज सीए का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। पैकेजिंग मटेरियल परचेज के लिए चाहिए। एमकेयू लिमिटेड में असिस्टेंट मैनेजर एचआर पेरोल एंड कॉम्प्लाइंसेस सैप मैक्स के लिए अर्जेंट कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट है। टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। हैवेल्स वेयरहाउस के लिए हरिद्वार दिल्ली एनसीआर देहरादून लोकेशन के लिए वेयरहाउस मैनेजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ट्राइडेंट में सेफ्टी मैनेजर मार्केटिंग हेड स्टोर मैनेजर पीए टू डायरेक्टर हैं 6 लाख टू 15 लाख। इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन में जॉनसन मेथे एमएनसी में रिक्वायरमेंट है। शंकर मेटल में प्रोडक्शन मैनेजर मार्केटिंग के लिए बंदे चाहिए। फीमेल अकाउंटेंट बालाजी बैटरीज में तेजस्ना इंटरनेशनल में मेल फीमेल अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट जनाब टेक्सटाइल में फीमेल जूनियर अकाउंटेंट का जरूरत है। माई जीएसटी कैफे में फीमेल सीआरई अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट है। टेक प्रो में रिसेप्शनिस्ट हैविंग अ नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। आईसर में स्मार्ट फीमेल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। वीके पैकवेल में कैशियर हैविंग अ नॉलेज ऑफ टैली का रिक्वायरमेंट है। श्री सूर्या नमकीन में सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। खंडेलवाल में मेल सेल्स कोऑर्डिनेटर की रिक्वायरमेंट है। रोटोमेक पंप में इनको चाहिए कैंडिडेट पीपीसी कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट है। राजस्थान लिक्कर में रिसेप्शनिस्ट प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट है। आदर्श इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल मार्केटिंग एक्सक्यूटिव मल्टीपल वर्क के लिए आज इंटरव्यूज़ कुछ हुए हैं। श्यामाश्याम फैब्रिक में जूनियर अकाउंटेंट है। लिंक प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा सा इंग्लिश कम्युनिकेशन ड्राफ्टिंग स्किल जिनकी अच्छी हो बैक ऑफिस में है इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हैं। अशोक मसाले में प्रोडक्शन सुपरवाइजर मशीनरी सेल्स कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट है। कपिला ग्रुप में वेल्डर का रिक्वायरमेंट है। दीप न्यूमेटिक्स में सर्विस मैनेजर की प्रोफाइल में जो कैंडिडेट्स हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। सर्विस टेक्नीशियन ज्वाइन कर सकते हैं। सेल्स कैंडिडेट ज्वाइन कर सकते हैं। कटारिया ग्रुप में मेंटेनेंस इंजीनियर लैब केमिस्ट मशीन ऑपरेटर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। माय डियर कैंडिडेट ये सारी रिक्वायरमेंट मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। इन सब में कुछ मैंने पिच करी हैं जिनको आपको इमीडिएटली आप उन कंपनीज में ज्वाइनिंग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे जॉब ऑन ड्राइव माई श्योर जॉब .com। थैंक यू।